चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं और साथ ही चुनावी तैयारियां भी चल रही हैं पुलिस प्रशासन की ओर से, और चुनाव के प्रति जन जागरूकता उत्पन्न भी की जा रही है स्वीप के माध्यम से। हमारे साथ हैं स्वीप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पल्लवी सिंह, जिनसे हम पूर्व में भी बातचीत करते रहे हैं, इस बार फिर से बातचीत कर रहे हैं। चूँकि फिर से बात कर रहे हैं तो हम फिर से आपसे सबसे पहले जानना चाह रहे हैं स्वीप की फुल फॉर्म। स्वीप का मैं हिंदी में बताऊंगी, ये सुनियोजित मतदाता शिक्षा एवं सहभागिता है। सुनियोजित मतदाता शिक्षा का मतलब है कि अब हम छोटे क्लास यानी कक्षा 6 से लेके 12 और हमारे नवीन मतदाता जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं उनके साथ साथ जन सामान्य को भी शिक्षित करें कि लोकतंत्र में नैतिक मतदान बहुत ज़रूरी है। और सहभागिता इसलिए ज़रूरी है कि अगर लोकतंत्र को हम मजबूत करना चाहते हैं तो हर व्यक्ति का वोट बहुत मायने रखता है। यहाँ तक कि भारत निर्वाचन आयोग का इस पर का स्लोगन भी है, नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, एक भी वोटर छूटने ना पाए, और इसीलिए इस तरफ हम कार्यक्रम करते रहते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ऐसी मंशा है कि एक भी वोटर छूटने न पाए, किससे? वोट देने से, यानी वो मतदान जरूर करें। जागरूकता से आपकी नहीं, मैं तो जागरूकता इसलिए है कि 2012 में जो हमारा मतदान प्रतिशत था वो 45% हो गया था। आज भी अगर हम मथुरा जनपद को देखें तो केवल 65% लोगों ने पिछले विधानसभाओं में वोट दिया, मतदान किया। अतः ये ज़रूरी है कि हम अन्य क्षेत्रों को अगर देखते हैं, मैदानी इलाका होने के बावजूद भी पहाड़ी इलाका में 90% मतदान हो रही है। तो इस मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है कि हम वोटर्स में ये जागरूकता लाएं, मतदाताओं में ये बात फैलाएं, उनके दिमाग में डालें कि हमारा एक वोट भी बहुत मायने रखता है, सरकार में परिवर्तन ला सकता है, एक सही नेतृत्व का चुनाव कर सकता अच्छा, है। इस संबंध में और जानकारी ले लें, जब आपने एक जानकारी अच्छी सी दे दी है वो अच्छी लग रही है हमको कि आपने बताया कि 45% था 2012 में। जी सर। और अभी पिछले 2017 की बात कर रही थी। जी हाँ, जो 2017 में जब विधानसभा चुनाव 65% हुआ, यानी कि वृद्धि दर्ज हुई। हाँ, दर्ज हुई। और वो किन कारणों से हुई, उसके विभिन्न कारण रहे होंगे। जी सर। आपका जो अभियान है स्वीप के तहत जन जागरूकता अभियान, उसका भी असर जाहिर तौर पर पड़ा होगा, और मतदाता दिवस आदि ऐसे आयोजन भी तमाम हुए हैं पिछले वर्षों में। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शपथ भी दिलाई गई है कि हम मतदान करेंगे। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि पिछले विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ा, जो हमारे यहाँ पे 63.5% था, जबकि पुरुष मतदाता केवल हमारे बूथ पे जो पहुँचे वो 59% ही थे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो हम आंदोलन चला रहे हैं, और विशेष रूप से हमने छात्राओं की जो विद्यालय और महाविद्यालयों में जा कर के आंदोलन चलाया, दिव्यांगों के लिए विशेष रजिस्ट्रेशन पंजीकरण आंदोलन चलाया, जो वो असरकारक रहा और लोगों ने वोट प्रतिशत महिलाओं में बढ़ी। जी, आप अभियान को आंदोलन कह रही हैं, मतलब ये आपका उत्साह है। ये सर आंदोलन ही है। और क्योंकि, यदि हम आपसे यहाँ पर ये जानना चाहें, ये कहते हुए कि पूर्व में मतलब उदासीन रहते थे यहाँ के मतदाता, कहाँ के मतदाता, केवल मथुरा की ही बात कर रहे हैं प्रतिशत की हम, और क्या अन्य जगहों को भी हमने अपने जहन में रखा है कि उत्तर प्रदेश में 12 और 17 में तो विधानसभा के ही चुनाव हुए, तो क्या उत्तर प्रदेश के प्रतिशत में भी वृद्धि दर्ज हुई 2017 के चुनाव में तुलनात्मक रूप से 12 के? 3% वृद्धि तो हुई थी सर। 2014 में जब इलेक्शन हुए थे ये लगभग 60 था अराउंड, और ये 2017 में 65 हुआ, 5% की अभिवृद्धि अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो अच्छी प्रगति है। फिर भी हम उस लक्ष्य को नहीं पहुँच पाए हैं, इसीलिए ये सब अभियान चलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति टोटल औसतन ठीक कहें हम, हालांकि सही नहीं है, क्योंकि निर्वाचन आयोग चाहता है कि प्रत्येक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करे। जी सर, लेकिन अगर हम मथुरा को देखें तो मथुरा की स्थिति बहुत खराब थी। यहाँ के लोग, जैसा कि आपने बताया 45% मतदान हो रहा था, बताइए, यानी कि लोगों की दिलचस्पी नहीं है। लोग मतलब जो हमारे प्रत्याशी हैं या जो राजनीतिक दल हैं उनसे इस तरह से तंग आ चुके हैं या आजे जा चुके हैं कि वो उनको नेगलेक्ट कर रहे थे।
अब जब उनको ये एहसास कराया गया कि भाई अब आपके पास नोटा का भी ऑप्शन है तो आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने अवश्य जाएं, तो मताधिकार बढ़ा, मतदान का प्रतिशत बढ़ा। एक और है, इस बार मेरे ख्याल से और भी बढ़ेगा, क्योंकि इस बार हमारे पास एक दूसरा विकल्प है VVPAT, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका मतलब है कि जैसे आपने वोट दिया उसके तुरंत बाद आपको उस मशीन के स्क्रीन पे 7 सेकंड के लिए वही चिन्ह, चुनाव चिन्ह, सीरियल नंबर और यहाँ तक कि जिसे हम मतदान दे रहे हैं, मत दे रहे हैं, उसका नाम भी दिखाई देगा। तो 7 सेकंड की वो पर्ची दिखती है जो आपको ये आपके चुनाव, आपने जिसे वोट दिया है उसे सत्यापित करती है कि वास्तव में जिसे हम वोट डाल रहे हैं उसे सही व्यक्ति को जा रहा है, जिसको आपने वोट किया है उसको गया है या नहीं वोट। ये क्योंकि पहले सवाल उठाए जाते रहे ईवीएम्स को लेकर भी कि ये हो जाता है कि किसी पर भी डालो उस पर ही जाता है, इस तरह की बातें आती थी, मैनिपुलेशन वाली बात हुई है कि वो एक ही पार्टी को जा रहा है या गलत हो रहा है, वास्तव में हमारा वोट सही व्यक्ति को जा रहा है। इसकी हम क्रॉस क्वेश्चन ये कर सकते हैं, VVPAT इस बार पूरे चुनाव में इसी का ही प्रयोग इस्तेमाल हो रहा है। जी जी, और इसकी ट्रेनिंग बकायदा चल रही है, लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, BSA कॉलेज में हमारे DM साहब खुद मौजूद हो रहे हैं, अपर निर्वाचन उप निर्वाचन अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, ADMFR मौजूद हैं, हमारे SLMTs बने हैं जो खुद दिल्ली से ट्रेनिंग करके आए हैं, 3 SLMT हैं, डॉक्टर सतनाम अरोड़ा, डॉक्टर दीनदयाल, डॉक्टर ब्रिशमान सिंह, इनके साथ ट्रेनिंग दी जा रही है, लोगों को पूरी तरह से ट्रेंड है, यहाँ तक कि क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन एयर तैयार किए गए हैं 50-60, जिसके आधार पर यह भी देखा जा रहा है कि वास्तव में जो व्यक्ति ट्रेंड है वो उतना विज्ञ है कि नहीं कि उस दिन पोलिंग करा पाए। तो हम पूरी तैयारी के साथ इस बार तैयार लेकर 2000 व्यक्तियों की ट्रेनिंग अभी तक हो चुकी है जो पोलिंग बूथ्स पे उस दिन रहेंगे, और आपकी जो इस बार की चुनाव होगी वो पूरी तरह से विश्वसनीय होगी, और EVM और VVPAT तो है ही, इसलिए मेरा विश्वास है कि इसकी जो लोग हैं अभी तक जो विश्वास नहीं था उनको मतदान के प्रतिशत में, उसकी अभिवृद्धि होगी और मतदान करने जरूर आएंगे। डॉक्टर पल्लवी सिंह स्वीप कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन जानकारियों का आपके पास पूरा खजाना है और आपने बताया है, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी हैं, क्या कुछ चल रहा है। राजनीतिक दल तो अपने पास से फेंक ही रहे हैं, जो चुनावी तैयारियां प्रशासन करा रहा है वो भी अच्छे स्तर पर हो रही हैं। इस बार पहले से बेहतर रहेगा इस बार का चुनाव लोकसभा का, ये हमको लग रहा है बातों से, तैयारियों से। और अब हम आते हैं स्वीप पर। स्वीप की एक्टिविटीज़ के रूप में हमने कल आपको देखा, आपने स्टिकर्स लगवाए वाहनों पर कि मतदान अवश्य करें, 18 तारीख भी उसमें अंकित है अप्रैल की, है ना। अलावा इसके कुछ और खास कार्यक्रम क्या आयोजित करने जा रहा है स्वीप या की एडमिनिस्ट्रेशन? इस बार हम डाइट पे इस 30 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें डाइट से प्रशिक्षित जितनी भी प्रशिक्षु हैं वो वहाँ आएंगे, डाइट कॉलेजेस के सभी विद्यार्थी वहाँ सम्मिलित होंगे, 25 EVM और VVPAT वहाँ लगाया जाएगा। इसके साथ साथ प्रशिक्षण के अलावा हम नैतिक मतदान के प्रति लोगों को जागृत करेंगे। मेरा ख्याल है, मैं ये भी बताना चाहूँगी, कुछ ऐप्स हैं हमारे पास जैसे CVIZ आप सुन चुके हैं, इसके अलावा भी आपके जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी ऐप बने हैं, उनको इंस्टॉल करके यहाँ तक कि न्यू वोटर्स किस बूथ पे जाए इनके लिए भी भारत निर्वाचन आयोग ने ऐप्स बनाए हैं, उन ऐप्स को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है हमारा युवा जो है वो नेट से बहुत ही परिचित है, तो वो ऐप को अपलोड करके अपने बूथ की भी जानकारी हासिल कर सकता है। इसके अलावा हमारा विशेष नंबर है जो 24 घंटे चल रहा है 1950, इसी को कल हमने स्टिकर के माध्यम से, अपने बैनर्स के माध्यम से लगाया है। अब हम विशेष रूप से जितने भी हमारे आश्रम हैं वृंदावन में, वृद्धाश्रम, उनको लक्षित करके हम 31 को 1 को ये प्रोग्राम करने वाले हैं, जहां पर महिलाओं को विशेष रूप से बुला के एकत्रित करेंगे। लगभग 10 आश्रमों में, वृद्ध आश्रमों में और महिला आश्रमों में ये प्रोग्राम होगा। हमारे सेवानिवृत्त जो अधिकारी हैं, ये गोविंदपुर में एक जगह है, वहाँ पर वृद्ध आश्रम है, और यहाँ हम सेवानिवृत्त शैक्षिक संस्थाओं से लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रख रहे हैं,
यहाँ भी हम ईवीएम वीवीपैट की प्रशिक्षण देंगे, क्योंकि आने वाले चुनाव में हो सकता है लोग जाने नहीं कि ये चुनाव जो प्रक्रिया चल रही है किस तरह में वोटिंग करनी है, तो इसको हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। और हमारी तीन चार अभी कुछ भूल गई हैं शायद, आप 30 तारीख का भी कोई प्रोग्राम? हाँ, 30 तारीख को डाइट में है, तो वो डाइट में है। जी हाँ, डाइट यहाँ कहीं आसपास में भी कुछ है, कलेक्ट्रेट परिसर के इर्द गिर्द भी कुछ होना है 30 तारीख को, या जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान? नहीं, 30 तारीख वाला हमने स्थगित को 31 को कर दिया है, क्योंकि 30 को हम सभी वहाँ सम्मिलित होंगे। 25 जब वीवीपैट ईवीएम मशीन वहाँ यूनिट जा रही है, तो आप समझिए वृहद स्तर पर यह कार्यक्रम वहाँ किया जा रहा है। तो 30 को डाइट पर, जी हाँ, 31 और 1 को आपके वृंदावन में गोविंदपुर में 31 संडे है, उस दिन भी हम पहुंचेंगे। 31 को हम फिर वृंदावन में, 1 तारीख को वृंदावन में हम रहेंगे, तो वृंदावन का कार्यक्रम है हमारा। इसके अलावा 1 या 2 तारीख तक हमारे एक जिला खेल क्रीड़ा अधिकारी से हमारी बात हो चुकी है, विशेष स्तर पे हम मैराथन की दौड़ भी करवाना चाह रहे हैं, जिसमें मैं सभी युवाओं को आमंत्रित करेंगे, यहाँ तक कि हमारे अलग अलग वर्ग के लोगों के द्वारा वहाँ पे वॉक और दौड़ किया जाएगा कि मथुरा वोट करें। पहले जैसे केआर गर्ल्स डिग्री कॉलेज में एक मेला सरीखा लगता था, जी, उस तरह का कोई आयोजन इस बार? एक्चुअली अभी आपको पता है विदित है, विश्वविद्यालय परीक्षाएं चल रही हैं, इन बच्चों को इस समय हम अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। बच्चों ने ऑलरेडी हमारे महिला मतदाता मेला के दौरान, जहाँ आप आए भी थे मेरे ख्याल है, उस दौरान उन्होंने जान लिया है कि मतदान वीवीपैट ईवीएम मशीन से कैसे होता है। वहाँ हमने मॉक पोलिंग करवा चुके हैं स्कूल्स में, और इस दौरान हम 1 अप्रैल के बाद से पेरेंट्स टीचर मीट के माध्यम से सभी CBSE स्कूल्स में और 12th तक की जितनी भी हमारे गवर्नमेंट डिग्री इंटर कॉलेजेस हैं, वहां जाके हम पेरेंट्स टीचर मीट करेंगे, बच्चों को भी बताएंगे, उनके पेरेंट्स को भी इसकी शिक्षा। डॉक्टर पल्लवी जी, आप बेसिकली एक प्रोफेसर हैं? जी सर। और किस कॉलेज में हैं? केआर गर्ल्स पीजी कॉलेज में हूँ सर। केआर गर्ल्स पीजी कॉलेज में है, और वहाँ पर आपको शिक्षण कार्य करना होता है, और जब से आप यहाँ से स्वीप से जुड़ी हैं, कोऑर्डिनेटर बनी हैं, तो कई बार वहाँ तो ऐसा होता है कि प्रोफेसर्स और टीचर्स के बारे में ये कहते हैं कि वहाँ पर तो छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं विद्यालयों में, और यहाँ पर तो आपको बिल्कुल, आपके ऊपर पूरे प्रशासन की भी दृष्टि रहती है कि पल्लवी जी क्या कर रही हैं, आपकी क्या तैयारियाँ हैं, तो यहाँ पर जो जिम्मेदारियाँ अब आपको मिली हैं, थोड़ा सा एक ओहदा तो मिला है कोऑर्डिनेटर का, लेकिन कैसा महसूस करती हैं इन जिम्मेदारियों के निर्वहन के रूप में? जी, समाज के प्रति व्यक्ति का दायित्व भी होता है कुछ करें, और मैं NSS से जुड़ी थी, राष्ट्रीय सेवा योजना से 6 वर्ष उसमें रही, और मेरे अच्छे कार्य को देखते हुए ही लखनऊ के NSS प्रभारी हमारे संपर्क अधिकारी डॉक्टर अंशुमाली शर्मा जी, उन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया, और प्रतिमा गुप्ता के पश्चात इसीलिए विशेष रूप से मुझे आग्रह किया गया कि मैं स्वीप को ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी क्रिएटिविटी यहाँ उभर के आ रही है। केवल संस्कृत विभाग की वहाँ मैं प्रवक्ता थी, पर यहाँ मैं पूरे जन साधारण के लिए एक स्वीप कोऑर्डिनेटर हूँ। आप सभी मुझसे इसीलिए तो परिचित हुए कि मैं इस कार्य में आई। आपका वह दायित्व तो अब सफर कर रहा होगा, कौन? नहीं सर, मैंने 13 पेपर मार्च तक हमें कंप्लीट करना होता, मार्च फरवरी में परीक्षा होने लगती है, तो उसी अनुसार मैंने 3 क्लासेस ना लेके 6-6 क्लासेस प्रतिदिन लिए हैं, और मुझे लगता है कि उसके बाद ही, और एक व्यक्ति विशेष को मैंने रखा भी था कि मुझे सहयोग करे, तो मैंने अपने पूरे कार्य वहन किया है वहाँ, विशेष रूप से पढ़ा दिया है बच्चों को, कोर्सेज कम्प्लीट कराए हैं। हाँ, ये अलग रहा कि मैं क्वेश्चन आंसर के साथ साथ मैं उनको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करती रही। स्वीप कोऑर्डिनेटर, आपको क्या कोई मानदेय आदि या संसाधन सुविधा आदि भी कुछ? नहीं सर, ये इस विषय में बहुत भ्रम है लोगों को, कुछ भी नहीं मिलता, व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी स्थिति से कार्य करता है, लोगों का सम्मान मिल जाए, यही सम्मान मिलता है जी सर। बाकी आप जैसे लोग, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सर, ऐसी कोई और बात आपका अतिरिक्त व्यय ही बढ़ता है इससे, जो वैसे तो विद्यालय ही जाना होता है। एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, हमें सरकार की तरफ से अच्छी आमदनी मिलती है, आय मिलती है, तो अगर थोड़ा अगर ऐसे सोचे, नहीं बहुत अच्छी, कोई हम किसी धार्मिक कार्य में ना देके इसी को अपना धर्म समझे, राष्ट्र उन्नति में कार्य करे, उसमें लगा दिया हमने। काश की ऐसी ही विचारधारा हमारे राजनीतिक दलों की भी होती। खैर, हमारे साथ रही स्वीप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पल्लवी सिंह, जिन्होंने स्वीप के अभियानों के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया है, और भी अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। उन जानकारियों का आप लाभ अवश्य उठाएंगे जो ऐप
आपने बताया है उसको भी आप डाउनलोड करके अपने बूथ आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अन्य जानकारियां भी हम आपसे समय समय पर प्राप्त करते रहेंगे, आपको उन जानकारियों को प्रदान करते रहेंगे और आप उम्मीद करते हैं कि उन जानकारियों का लाभ उठाते रहेंगे। टीवी टुडे इंडिया के लिए अपने साथी चंदन सैनी के साथ योगेश खत्री।